हरियाणा अरे मैंने बेर है सर छोड़ बोल दे और देव तो आप इस तरह से एक्साइटेड हैं शो के लिए बहुत अच्छा लुक्स एंड मैं हर अच्छे शो का इंतज़ार होता है और क्योंकि मैं उसमें एक किरदार भी कर रही हूँ और क्योंकि किरदार कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ ये शो अच्छा है अलग सा है और जैसे आम सास बहू जैसा नहीं है हट के शो हालांकि हर कोई कहेगा हट के शो है आप लोगों ने तो खुद देखा है ऑडियो भी शो क्या ये नॉर्मल शो जैसा लगा आपको लेकिन ये कहीं क्राइम क्राइम बढ़ा सारे दिन से मिलती जुलती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आई एम सॉरी तो मतलब क्या एक बात बताऊँ भी पकड़ के दो झापड़ में आपको लगाओ वो तो ये बिल्कुल दादा की नहीं लगती ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल इट हैज गॉट इट्स ओन शो दिस हैज गॉट यहाँ पर देव को कोई क्राइम पेट्रोल है या कोई अगर मान लो रास्ते में जा रहे हैं किसी लड़की को कोई छेड़ता है और तुम वाकई में उस लड़की का सहायता करना चाहते हो जाके उसको पकड़ के दो झापड़ मारोगे क्या तुम गली के गुंडे कहलाओगे क्या कैसे हाउ कैन यू से इट्स नॉट एट ऑल आई डोंट एग्री विद यू आपका नाम क्या संजय संजय आई डोंट एग्री प्रोमो देख के हमें से प्रोमो देख के से लगा ना प्रोमो देख के बिल्कुल आपने भी देखा ना प्रोमो कुछ ऐसा लगा क्या कि मैंने नहीं देखा ऐसा लगा क्या प्रोमो देख के नहीं ये तो सबसे विविधता में एकता आप लोग एकता में विविधता डालते हैं वो दिस इज अ डिफरेंट शो देखो अब देखो अगर किसी ने बंदूक उठा लिया समझ में आया ज़रूरी नहीं है कि वो मर्डर समझ में आया ना कोई तो ये नहीं है बहुत अलग सा शो दिस इज नॉट क्राइम पेट्रोल नॉट एट ऑल इस शो में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी जैसे आशीष हो गए सुमाना हो गए पूजा जी आपका कोऑर्डिनेट सबसे अच्छा किसके साथ था मेरा सबके साथ Everybody is very nice. पूजा के साथ मेरा हुआ है और भाई मैं तो उस शो से हूँ हम लोग शायद पैदा भी नहीं क्योंकि टेलीविजन का आज वो शो अगर आज सक्सेसफुल नहीं होता तो यू नो टेलीविजन हमने सुना है कि ये ट्रू बेस्ड स्टोरी पे बनी है बिल्कुल बिल्कुल कहानियाँ जो हैं ये सच्चाई पे तो वही तो मैं बोल रही हूँ देव एक ऐसा इंसान है जो गलत चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है ठीक है तो इसीलिए दिमाग उसका सोचता है क्या है क्या खोज निकालने का है पहुँच जाता है उन जगह पे कर ये तो क्राइम पेट्रोल कैसे फाइनली अब शो का प्रोमो भी आ गया रिलीज डेट भी आ गई तो आप किस तरह से एक्साइटेड हो वेरी नाइस जैसे कि मैं बात दूसरे शो जब कलर्स का एक और शो आया था मेरे घर आई एक नन्ही परी जिसमें मैं थी एक्साइटेड थी जब हम लोग आया था वैसा ही एक्साइटेड जब बुनियाद आया था वैसा ही थी सांझा चूल्हा दिल दरिया लेकू प्रथम प्रतिश्रुति जो भी मेरा नया शो आया था पिछले दिनों में सपने सुहाने पिछले दिनों में दियाबाती था फिर क्या होता था क्या भक्ति में शक्ति जब होते हैं पर ये अलग सा शो इसीलिए इसकी बात हो चुकी ये आप इतने सीनियर एक्टर हो और कभी नए नए एक्टर हैं तो फिर आपने इन्हें किस तरह से टिप्स दी एक्टिंग को टिप्स आ रहे हैं सब सीखे सिखाए हैं कई बार होता है कि तुम कब कुछ हुआ हम लोग पूछ लिया कुछ क्या हो गया दे ऑल आर गुड एक्टर्स मुझे टिप देने की क्या ज़रूरत है और इंटेलिजेंट हैं ये लोग कुछ बातचीत में निकाल लिया तो निकाल लिया ऐसा नाइस वेरी नाइस टीम लवली टीम व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए व्यूअर्स को यही कहेंगे कि शो देखिए मैं इसमें काम कर रही हूँ इसलिए नहीं हटके शो है अलग शो है ये मैं फिल्मी लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ सास बहू शो नहीं है बड़े आराम से बोल रही हूँ और इसमें जो किरदार हैं बिल्कुल आपके अपने अपने आप में से ही है और ज़्यादा शोशा नहीं है नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं थोड़े सनकी हैं सबके सब जोरापा भी थोड़ी सनकी है दे तो ही मीरा अपने अलग मतलब ये सारे लोग जो सही मायने में जो सनक है वो इकट्ठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हंगामा होगा देखते रहिए ऑल द बेस्ट हैप्पी थैंक यू सो मच थैंक यू सो छोरे के करे से मैंने बेरा से छोरे Thank you.